कैसे हैं आप लोग? हम लोग फिर से लगाएंगे एक नया पौधा, दो नया पौधा लगाएंगे, दो नया पौधा। और यहाँ पे, और यहाँ पे ये पौधा लगा, धर्मेंद्र भैया लगा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, देख सकते हैं। किसके लिए गड्ढा खोल रहे हैं? पौधे के लिए। किस पौधे के लिए? कचनार के। कचनार के पौधा हाल तक। देखिए, धीरज भाई, विवेक भाई और धर्मेंद्र भैया के सहयोग से जो है, और वीर और कान्हा काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं पौधारोपण करने के लिए। ये पहला कचनार का पेड़ यहाँ पे हम लोग पहले पूर्वज, ये देखिए जो ईंट से घेरा गया है, यहाँ कनेर का पेड़ लगाए थे लगाने के लिए। कचनार का पेड़ बहुत सारे औषधि गुणों से भरपूर होता है, सभी पौधे औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। देखिए विवेक भाई के द्वारा गड्ढा खोदने का काम संपन्न हो गया। हेलो गाइस, आज हम लोग 254वां रविवार को फिर से पेड़ लगाने निकल पड़े हैं, और कान्हा और वीर और धर्मेंद्र भैया और यहाँ पे रहाणे भी हैं। आज का मैच चेन्नई में है, लेकिन ये अभी यहाँ पे हैं। पत्थर ना पड़े, पत्थर पड़ गया, पत्थर। और ये पेड़ लगाने, कचनार का पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ, और बहुत ही अच्छा फूल है ये। दबाते रहो काना, ये नीचे दबाते रहो, मिट्टी पड़ती है और दबाते भी रहो, तो अच्छे से होगा ना। अच्छे से थाला भी बना दीजिए, पानी लेके आओ काना। और कचनार का पेड़ लग चुका है, अभी तीन पेड़ और लगेगा ना बाबा जी। और ये ऑल डन। और ये धर्मेंद्र भैया, एक पौधा लगा दिया, अभी कितना पौधा और लगेगा। और ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, आज का मौसम भी बढ़िया है। और ये कचनार का पेड़ कार्य संपन्न हुआ इसका। देखिए, काफी दुर्गम और जटिल रास्ते से गुजरते हुए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है क्रॉस करना पड़ेगा, कांटे की तार जो है ये हम लोग पार करके पहला पेड़ इस जगह पे लगेगा। ये जो अमरूद का पेड़ आपको दिख रहा है, दूसरा वो केले के पास आम के पीछे वहाँ लगाया जाएगा। देखिए, काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है ये लाइन ऑफ कंट्रोल। इनका क्या नाम है? धीरज। और ये देखिए, रहाणे गड्ढा खोद रहे हैं, और ये भाग रहे थे लेकिन इनको पकड़ के लाया गया जबरदस्ती। और ये देखिए कान्हा जा रहा है राजस्थान के उस छोर से पानी लाने। और ये 254वां रविवार आज एक कचनेर का पेड़ लग चुका है, और दो ये अभी सहजन का पेड़ अभी लगेगा। इतना खतरनाक न्यूट्रिएंट पाया जाता है कि 85% मेडिसिन में इसका यूज होता है। इसके पत्तियां, इसके जड़, इसके फल सारे यूज होते हैं। कैल्शियम से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम, गाजर से कई गुना ज़्यादा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, तमाम पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। जी जी, और पाकिस्तान की ज़मीन बहुत टाइट है कह रहे हैं लोग, बंजर ज़मीन है। और ये देखिए बच्चे उतने दूर से पानी लेके आते हैं, वीर और कान्हा बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, काफ़ी उत्सुकता के साथ पौधारोपण अभियान में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। और ये देखिए बच्चा पानी लेके आया उतना दूर से, कान्हा एक किलोमीटर की दूरी से पानी लेके आया है, और कान्हा को प्यास लगी है। बस पेड़ लगने का कार्य शुरू हो चुका है। और ये सहजन का पेड़, दूसरा पेड़ लग रहा है। धर्मेंद्र भैया, धीरज, नीरज बाबा, कान्हा, सब कोई पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं। और ये सहजन के पेड़ है,
दूसरा सहजन का पेड़ लगाने का कार्य लगभग लगभग संपन्न होते हुए सभी भाइयों द्वारा सहजन का पेड़ बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों की खान है। इसको खान ही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए पूर्ववत मेरे द्वारा दो रविवार को लगाए गए ये दो सहजन के पेड़ जलपान कराते हुए धीरज भाई नहीं नहीं और ये दूसरा सहजन का पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ। अब तीसरे के लिए चलते हैं। हां हम का जानी सुना जा सका अब नहीं कहां जाते भैया। अरे सर उलाय उसे और देखिए हम लोग हम आइले पूरी मगंडियों से आगे बढ़ते हुए देखिए खेतों के रास्ते जो मेड़ बनी हुई है पगडंडी कहते हैं। और ये गांव की हंसी वादियां ये खुला आसमान ये दो केलों के बीच में यहां पे सहजन की एक डाल लगाई जाएगी। देखिए देखिए तीसरा सहजन का पेड़। अरे बहुत शानदार मिट्टी है, खाद उद है ना, गोबर ओबर बहुत पहले से यहाँ फेंका जाता है। तीसरा सहजन का पेड़ अर्थात सहजन की डाल लगाने के लिए धीरज भाई के द्वारा धर्मेंद्र भैया और विवेक भाई के सहयोग से देखिए ये इनके खेत में पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। और ये देखिए अजमल कसाब के छोटे भाई साहब और इन्हीं के घर पर पेड़ लगाया जा रहा है इनके खेत में। और ये काफ़ी अच्छे मित्र हो चुके हैं वीर और कान्हा के। और ये भी लोग अब धीरे धीरे यलोसी की धरी आ रहे हैं। और ये देखिए धीरज भाई के द्वारा गड्ढा खोदने का कार्य संपन्न हुआ धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वातावरण है, इतने बगीचे के अंदर ये एक छोटा सा घर है और कितने ही आनंद से रहते होंगे हम लोगों के। वहाँ एसी कूलर सारे कुछ चलाने पड़ते होंगे लेकिन यहाँ का एसी कूलर यही पेड़ है जो इसका श्रेय ये सभी साथियों को जाता है। और ये तीसरा आज सहजन का पेड़ लगने का कार्य संपन्न हुआ 254वां रविवार। काफ़ी ही मेहनती, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है क्या पेड़। और ये देखिए बड़े बुजुर्ग हमारे पानी लाते हुए, लेकिन दो चार दस दिन पहले अभी ये होश में नहीं थे हिसाब से पूरा मत पानी नमी पहले से नमी रहती है। और ये कि धर्मेंद्र भैया के द्वारा पानी गिराया जा रहा है। और वीर और कान्हा जल्दी इधर आके कुछ बोलिए आप लोग भी। और ये देखिए आज 254वां रविवार का तीन पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।